नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी नाउडेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, SOS सिग्नल्स के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल है जो कि मुसीबत के टाइम भेजा जाता है ताकि मुसीबत में पड़े लोगों को बचाया जा सके। बहुत से लोगों का मानना है कि SOS का मतलब सेव अवर सोल्स यानी हमारी जान बचाएं, और बहुत से लोग SOS को सेव अवर शिप्स भी मानते हैं, लेकिन असल में SOS की कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये कंटिन्यूस मोर्स कोड है जिसमें 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर 3 डॉट्स बिना किसी स्पेस और बिना किसी फुल स्टॉप के इमरजेंसी के टाइम सिग्नल भेजने के लिए यूज किए जाते हैं। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और 3 डॉट्स बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे SOS का नाम दिया गया। SOS सिग्नल्स की शुरुआत 1905 में जर्मन गवर्नमेंट ने की थी। बाद में 1906 में इसे इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल के रूप में अपनाया गया। 1908 में पहली बार मदद के लिए SOS सिग्नल भेजा गया। 1999 तक SOS को मैरीटाइम रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इसे ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम के साथ बदल दिया गया। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और 3 डॉट्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो दोस्तों, जब वायरलेस रेडियो टेलीग्राफ मशीन्स बनी तो उन्हें शिप्स वगैरह में भी लगाया गया ताकि शिप्स से कम्युनिकेशन बना रहे। अब अगर कोई इमरजेंसी होती तो एक ऐसा सिग्नल चाहिए था जिसे बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियरली और क्विकली भेजा जा सके। अब हर एक कंट्री अपना अलग डिस्ट्रेस सिग्नल यूज करती थी। अब अगर उस कंट्री का शिप इमरजेंसी के टाइम पे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता तो वो कंट्री उसे आसानी से समझ पाती, लेकिन अगर वो सिर्फ किसी दूसरी कंट्री की सीमा में होता और वहां वो इमरजेंसी में फंस जाता और वहां से सिग्नल भेजता तो वो कंट्री उसे समझ नहीं पाती और वहां पे एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता। इसलिए एक ऐसा इंटरनेशनल सिग्नल चाहिए था जो कि आसानी से भेजा जा सके, साथ ही उसे बिना कन्फ्यूजन के समझा जा सके। इसीलिए 1906 में 3 डॉट्स, 3 डैशेस और 3 डॉट्स इसे इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल यानी SOS के तौर पर अपनाया गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि SOS सिग्नल या डिस्ट्रेस सिग्नल क्या होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो और न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।